जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत घबराहट का शिकार होती जा रही है। वो क़यादत जिसने अपने टेन्योर का आगाज़ किया था आवाम को ये तलकीन करते हुए कि मुश्किलात के अंदर आपने घबराना नहीं है, आपको हर रोज़ घबराते हुए और ख़बरें बनाते हुए नज़र आ रही है। असद उमर साहब जो इस हुकूमत के अफलातून हैं, उनके बयानात पहले भी हेडलाइंस बनाते रहे हैं, लेकिन इस बयान ने तो मज़ीद हेडलाइंस बनाई हैं। इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं, उनको ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है लॉन्ग मार्च करने के लिए। सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुंड पेड़ी है, याद रखोगे। तो मौसूफ, जिनका ताल्लुक कराची से है और इस्लामाबाद के अंदर सियासी तौर पर ग्राफ्ट किए गए हैं, बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जहां पर उनकी अपनी जमात ने 126 दिन धरने दिए और उसके साथ बेशुमार रैलीज़ की और एहतजाज किए और थानों के अंदर जाकर लोगों को छुड़वाया और पीटीवी के ऊपर उनके इत्तेहादियों ने हमले किए, असम्बली के सामने हंगामे किए, उस शहर के अंदर अपोजिशन को आने की गुंजाइश नहीं है, ना सिर्फ आने की गुंजाइश नहीं है बल्कि मीडिया के जो सहूलतकार हैं उनकी नज़र में उनको भी वो मार लगाएंगे, कुट लगाएंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्फाज के चुनाव से आपकी सियासी ग्रूमिंग का, आपकी जहनीत का अंदाज़ा होता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि चेहरे से और बातों से आप जैसे भी लगें, अंग्रेज़ी आप जैसे भी बोलें, आपके अंदर एक बहुत बड़ा मुसोलिनी या हिटलर छुपा हुआ है और जो ज़रा मौके की तलाश में रहता है, मौका मिलते ही वो सामने आ जाता है। इसके ऊपर पीएफयूजे ने एक शदीद कंडमनेशन का बयान भी जारी किया जो आपके सामने है, लेकिन मामला असद उमर के कुट वाले बयान का नहीं है। मामला ये भी है कि हुकूमत जब परेशानी का शिकार होती है तो या कुट का सोचती है और या फिर हर जगह पर बुड़बुड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं उसकी तरफ से। जुल्फी बुखारी जो इमरान खान साहब के ख़ास दोस्त हैं, इसके अलावा तो उनकी कोई ख़ास सियासी क्वालिफिकेशन है नहीं, ड्यूल नेशनल हैं, बाहर से आए क्योंकि इमरान खान के साथ उनका पुराना ताल्लुक है और अभी भी ख़ानदानी मामलात के अंदर उनकी एक मरकज़ी हैसियत है। उनका यह बयान पिछले दिनों बड़ा चला जिसके अंदर उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान की इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर वो ख़ुद भी मौजूद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या ख्याल है लोगों का कि इमरान खान अगर तब्दील होंगे, नया वज़ीर आज़म आएगा तो हम वैसे ही बैठे रहेंगे और इमरान खान किसी सूरत इस मामले को ऐसे नहीं होने देंगे जैसा बताया जा रहा है। मैं आपको उसका पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, अल्फाज उनके कुछ और हैं जो इस वक्त आपके सामने। खान साहब को हटा के कौन सी पीटीआई चल सकती है, मतलब नामंजूर है, पूरे पीटीआई को नामंजूर है। खान साहब मान जाएंगे कि हट जाएंगे, ये वो, ये पता नहीं किस दुनिया में। साथ साथ हुकूमत ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ये हुकूमत 10 साल पूरे करेगी अपने, 5 साल की बात हम नहीं करते, एक टेन्योर की बात नहीं करते, 2 टेन्योर्स की बात कर रहे हैं। तो आपको एक तरफ पैनिक के बटन नज़र आते हैं कि अपोजिशन के आने की एहतजाज की खबरों की सदाकत के बारे में भी सवालिया निशान जब हैं कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर ही रद्दअमल पहले दे रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मूव का दूर दूर तक फिलहाल निशान नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर ऑलरेडी जो खास लोग हैं वो बयानात जारी कर रहे हैं। पहला टेन्योर करना, मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा है तो दूसरे टेन्योर की बातें कर रहे हैं। तो हुकूमत की ये परेशानी जो है वो तमाम मिनिस्टर्स और उनके जो मुशरान हैं खसूसी, उनकी ज़ुबानों से आयाँ होते हुए, अदा होते हुए नज़र आती है। अब इस परेशानी की वजह क्या है, एक परेशानी की वजह जो है जो नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर उसका ताल्लुक वास्ता नहीं बनता, वो ये कि DGISI की तब्दीली होने वाली है और 19 तारीख के बाद एक नया DGISI आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें और कानूनी अंदाज से देखें तो इस पर किसी को क्या एतराज़ हो, ये तो खबर बननी ही नहीं चाहिए कि DGISI कौन है, DGIB कौन है, DGMI कौन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि बिलखसूस तजर्बात ऐसे हम करवाते रहे हैं कि ये आम खबरें ख़ास खबरें बन जाती हैं, तो पुराने DGISI जनरल फैज़ हमीद, जिनसे इस हुकूमत ने अपने हद तक बहुत उल्फत और मोहब्बत का रबता डेवलप किया और इनके जो अपने मिनिस्टर हैं हर दूसरा शख्स जो है उनका हवाला इस्तेमाल करता रहा, वो अब पिशावर की कोर संभाल लेंगे और नए DGISI जो हैं वो चार्ज संभाल लेंगे। एक हुकूमत जिसके पास पंजाब भी मौजूद है, जिसके अंदर मरकज़ में भी जिसकी हुकूमत है, KP भी मौजूद है, उसके सेहत पर असर नहीं पड़ना चाहिए कि कोई
21-22 ग्रेड का जो अफसर है वो तब्दील होकर कहाँ आ जा रहा है, लेकिन चूंकि निज़ाम आपने ऐसा बनाया हुआ है कि एक छोटी सी पोस्टिंग से आपकी जड़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, तो इस वजह से हर थरथली पड़ी हुई है। उस थरथली की हकीकत क्या है ये मैं आपको बाद में किसी और स्टेज में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिसकी वजह से हुकूमत आपको पैनिक में नज़र आती। दूसरा ख्याल ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो इंक्रीजिंगली ये सोच रहे हैं कि इस हुकूमत के साथ बैठना अपने सियासी कैरियर को मुस्तकिल बुनियादों पर तबाह करने के मुतराज़िफ है। जब तक 3 साल के अंदर उनको ये ख्याल रहा कि हुकूमत के हाथों शायद कोई अच्छा काम हो जाए और इस उम्मीद पर वो इनके साथ चलते रहे, लेकिन अब उनको इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, उनके अपने हलकों के अंदर वापसी नज़र आ रही है, वो ये जानते हैं कि वोटर्स के पास आपने जाना है, वो वोटर जिसकी सर के ऊपर से अब छत गायब हो गई है, जिसके घर ठंडे हो गए हैं, जिसके चूल्हे के अंदर से आग बुझ गई है, जिसके पास खाने को नहीं है और जिसकी जेब में से जिसके जिस्म में से रुपए और खून मुसलसल निकाला जा रहा है इस वजह से कि हुकूमत कहती है कि आपको मज़ीद टैक्स देने हैं और आपको हमने महंगाई के अंबार के नीचे मज़ीद पीसना है, उस वोटर के पास जाना है, उस हलके में वापस जाना है, उस मोहल्ले में जाना है, उस वार्ड में वापस जाना है। तो अगर आप इस हुकूमत का बैज लेकर अपने वार्ड मोहल्ले यूनियन काउंसिल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर तो लोग जो आपका इस्तकबाल करेंगे वो हकीकत में वही होगा जिसकी धमकी असद उमर साहब सहाफ़ियों को और PDM को दे रहे हैं। वो सिर्फ नारों तक बात नहीं रहेगी, वो हकीकत में कुटाई की बुनियाद बन सकती है। तो जो इत्तेहादी हैं उनको एहसास हो गया है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है और मुल्क रोज़ नए मसले के अंदर घिरता चला जा रहा है। तो इत्तेहादियों ने भी उखड़ी उखड़ी बातें शुरू कर रही हैं और उखड़ना शुरू कर दिया हत्थे से, अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तीसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि जो पुराने किस्से हैं वो कैसे खुल के सामने आ रहे हैं। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आपने पढ़ ली होगी जिसके अंदर एक्स जज साहब जो हैं आपको बता रहे हैं कि एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जिनका बड़ा तस्करा करता हूँ क्योंकि वो कलीदी किरदार रहे थे 2018 के अंदर जो पुतली तमाशा बनाया गया उसके कलीदी और मरकज़ी किरदार थे, उन्होंने कैसे इस बयान के मुताबिक कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को इंतखाबात होने तक आपने बाहर निकलने नहीं देना। और सिर्फ ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे दर्जनों ऐसे किस्से हैं जिनके गवाहान मौजूद हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। इससे पहले जस्टिस सिद्दीकी साहब अपने हल्फिया बयान के अंदर क्या कह चुके हैं जिसको मरियम नवाज़ ने कई मरतबा दोहराया। तो अब ये जो किरदार हैं पुराने वो खुलकर सामने आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि वारदात असल में हुई क्या थी। तो अब जब ये किरदार सामने आने लग जाते हैं तो माजी के किस्से भी खुल जाते हैं। तो हुकूमत इस पैनिक का शिकार है कि इन किरदारों के सामने आने के बाद वो जो उनका क्लेम था कि हम बहुत बड़े मैंडेट के साथ इस मुल्क के अंदर आए हैं और हमने मुल्क की किस्मत तब्दील करनी है और हमारे पास हकीकी मैंडेट है, उसके पड़खचे तो हकायक ने वैसे ही उड़ा दिए हैं और अब इन शवाहद के पेश नज़र जो थोड़ी सी साख रह गई थी वो भी दूर ख़त्म हो जाएगी। और आखिरी बात ये कि नामासाद हालात के अंदर आप अपने पुराने दोस्तों की तरफ रुजू करते हैं। अब पुराने दोस्त जो हैं उनको भी पता है कि अगर इस हुकूमत के साथ हम खड़े रहे बहुत अरसा तो जो तनकीद, जो लोगों का गुस्सा इस हुकूमत की तरफ डायरेक्ट होता है वो हमारी तरफ आना शुरू कर देगा। तो पुराने दोस्तों ने भी हाथ खींचा हुआ। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है। असद उमर साहब को अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जो ये दूसरों के बारे में कहते हैं वो इनके ऊपर लागू हो जाता है। तो अगर वो किसी को कुट लगाने का सोच रहे हैं तो ये जहन में रहे कि बसा औकात अल्फाज की गूंजी वापस नहीं आती, वो हकीकत में तब्दील होकर ख़ुद पर लागू भी हो जाती है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका बन जाए जिसमें असद उमर साहब अपने अल्फाज की गूंज और उनके नतायज की गिरफ्त में आ जाएं।